कृष्ण और सुदामा। समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। वे दोनों पक्के मित्र थे। समय बीतता गया, कृष्ण द्वारिका के राजा बने, पर सुदामा का जीवन कष्टों से भरा था। एक दिन सुदामा के पत्नी ने सुदामा से कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। सुदामा ने अपने पत्नी की बात मान ली। इतने दिनों बाद मित्र से मिलूंगा, खाली हाथ कैसे जाऊं? घर में तो कुछ है नहीं, क्या उपहार लेके जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से चावल लेके आई और उसकी पोटली बनाकर सुदामा को दे दी। फिर सुदामा वहाँ से चल पड़े, पर उनका मन घबरा रहा था। कृष्ण, आप इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने मुझे नहीं पहचाना तो? चलते चलते वे द्वारिका जा पहुँचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े रहे। आपको किससे मिलना है? मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूँ। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वो दौड़े चले आए। कृष्ण ने उन्हें बाहों में भर दिया और उनको आदर्श के साथ लाया गया और हाथ में पानी भरकर उन्होंने स्वयं सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पे बिठाए। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की यादें कर करके हंसते रहे। वैसे मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजे क्या? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे। कृष्ण ने हाथ बढ़ाकर स्वयं ही पोटली ले ली। उसमें से दो मुट्ठी चावल उन्होंने खाए। थोड़े दिन राजमहल में रहने के बाद सुदामा वहाँ से चले गए, पर घर लौटने समय वे सोचने लगे, कृष्ण ने तो कुछ दिया ही नहीं, वहाँ भी पत्नी आस लगाए बैठी होगी, घर जाके क्या खाऊंगा? सुदामा जब अपने घर गया तो वो चकित ही रह गया। जहाँ पे उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, बहुत बड़ा सा महल बन गया था। सब देखने में तो द्वारिका जैसे ही लग रहा था। सुदामा देखकर सब समझ गए। अरे, ये चमत्कार तो श्री कृष्ण ने ही किया होगा, उन्होंने मित्र का मान रख दिया। वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।